इसे जो हम और भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, आप इसकी तफ्तीश कीजिए। ममता तो आसिफ बैनर्जी चीफ खान मिनिस्टर से जाकर के मिला फैमिली जी, मेंबर से, फैमिली मेंबर्स ने बोला कि मुझे आप पे भरोसा है, मैं तो विक्टिम के आसिफ फादर कहा कि मुझे उन... आप ऑफिसर ऑफ द लॉ है, आप वकील भी हैं पेशे से। मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, हाई कोर्ट ने आज क्या बोला? हाई कोर्ट ने बोला कि सीबीआई को जांच सौंपने में देरी क्यों हुई, कैसे माना जाए कि कोई सबूत नष्ट नहीं हुआ है? एक बार बताइए, अगर पुलिस लीपापोती नहीं कर रही थी तो इसको आत्महत्या पहली दृष्टि में करार क्यों दे दिया गया? कैसे बोल दिया कि आत्महत्या है ये पूरा मामला? जब मामला पुलिस के पास रिपोर्ट हुआ तो पुलिस ने, क्योंकि कंप्लेंट नहीं था कोई प्रिंसिपल द्वारा या किसी हॉस्पिटल के अथॉरिटी द्वारा, तो उसे अननेचुरल केस के तौर पे रजिस्टर करके इंक्वेस्ट स्टार्ट किया गया। और उसे फिर जब एफआईआर हुआ तो वो रेप का ही केस बनाया गया। उसमें अटॉप्सी जो है, पोस्टमार्टम जो है, फैमिली मेंबर के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग में हुआ। ममता बैनर्जी ने लेकिन डिमांड पहले पहले तो किया, बोला गया ना, पहले उससे बोला गया बात कि की जाए। ये पूरा मामला जो है, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये तो रेप है ही नहीं, एक तरह से उससे इंकार करा गया। नहीं, जब पुलिस के सामने मामला आया, जब नहीं, पुलिस ने इनका क्यों बोला ये तो आत्महत्या थी पुलिस ने, अननेचुरल और अननेचुरल वहां पर स्निफर डॉग्स जहां लेके जाने चाहिए थे वहां सबूत टेस्ट करे गए। हाई कोर्ट ने भी आज उस पर प्रश्न लगाया। अमित जी, सुबह आप 9, समझे, ये सामान्य वारदात नहीं है, ये सामान्य अमित वारदात नहीं है। पूरा अमित प्रशासन टीएमसी का एक्सपोज हो गया इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। नहीं, किसको बचाने की ममता कोशिश बैनर्जी थी? ने कौन पहले, है वो प्रिंसिपल जिससे अभी तक पूछताछ नहीं हुई? प्रिंसिपल से प्राइम फेसी में पूछताछ होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? संदीप घोष प्रिंसिपल जो है आज वो, बिल्कुल मैं आपके साथ इस बात से सहमत हूं कि उनसे भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मांग है सारे लोगों का। और अब तो मामला सीबीआई के पास भी है। मुझे उम्मीद है कि वो, ये जो सीबीआई जो है, इस मामले में छानबीन करेगी और लेकिन इंसाफ लेकिन एक दिलाएगी। बहुत बड़ा खुलासा है, बड़ा खुलासा आज एक करने जा रहा हूं कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर दरिंदगी की हदें जो पार हुई हैं वो किस कदर हुई हैं। आइए पहले वो खुलासा देख लेते हैं। कोलकाता दरिंदगी मामले में एक बहुत बड़ा पर्दाफाश आर पार कर रहा है। डॉक्टर स्वर्ण गोस्वामी का बड़ा दावा है, गैंग रेप की आशंका है इस पूरे मामले के अंदर। इस पूरे मामले के अंदर यह रेप नहीं है, गैंग रेप की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के डॉक्टर यह बात कह रहे हैं, गैंग रेप हुआ है पीड़िता के साथ। कोलकाता दरिंदगी मामले में यह बहुत बड़ा पर्दाफाश है, यानी पूरे मामले को कवर करने की कोशिश की गई। प्रिंसिपल से पूछताछ नहीं हुई, सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर। मैं बता नहीं सकता, जब मैं खबर बता रहा हूं तो मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। यह गैंग रेप का मामला है और जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो बहुत बहुत दुखदाई है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार और कलकत्ता की पुलिस ने इस पूरे मामले को ढकाने और छुपाने की कोशिश करी है वो वाकई पीड़ादायक है, पीड़ादायक है गौरव भाटिया। लेकिन लेकिन डॉक्टर क्या कह रहे हैं, पहले मैं डॉक्टर की बाइट सुनाना चाहता हूं आपको भी। वो This much of amount of semen, it may not be, may not come from only one single man. So, you know, you cannot rule out involvement of multiple men, more than one man. You cannot rule out. There is every possibility of involvement of multiple men. गौरव भाटिया, आपने डॉक्टर को सुना, ये पूरे मामले में गैंग रेप की आशंका जताई जा रही है, लेकिन सियासत भी एकदम परवान पर है, कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता जी, क्योंकि तो सूट नहीं करता एजेंडे को। अमीर जी, मैं राजनीति से परे हट के पहले कुछ प्रमुख बिंदु रख दूं। आज प्रेस वार्ता भी हमने करी थी जी, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा के ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है कि हमारी बहनों को और जो समाज को आगे बढ़ाती है उन महिलाओं को हमेशा सम्मान मिले और इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। सबसे पहले ममता बनर्जी की भूमिका, ये सबसे अहम है। मुख्यमंत्री का रसूख होता है। ममता बनर्जी ने 10 तारीख को
जब ये हत्या की गई उसके एक दिन बाद कहा मैं सीबीआई को जांच जो है ट्रांसफर कर दूंगी। मैं पूछना चाहता हूं विवेचना के लिए जांच के लिए प्रथम दो दिन जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए। यस, ममता बनर्जी शील्ड कर रही थी क्या, बचा रही थी जो यहां पे आरोपी है, सबसे बड़ा प्रश्न है। उसी दिन ट्रांसफर क्यों नहीं किया। दूसरी बात देखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस ये इसलिए भी है कि हमने तमाम बयान सुने हैं, ये बार बार कहा गया है जब कोई रेप होता है ये बहुत ही गंभीर और जघन्य अपराध है और देश का कानून ये कहता है एफआईआर लिखी जाएगी जी, चाहे वो नया कानून हो चाहे वो पुराने कानून में। अब ये पूछा जाना चाहिए इसको अननेचुरल डेथ क्यों कहा गया, ये साजिश नंबर दो है। वो इसलिए किया गया कि हम अगर रफा दफा कर दे मामले को तो हम बच जाएंगे, ये बहुत चिंताजनक है, सुप्रीम कोर्ट कहता है एफआईआर होनी चाहिए। तीसरी बड़ी बात जो आप कह रहे हैं, गैंग रेप क्यों असुविधाजनक है ममता बनर्जी को, वो इसलिए है क्योंकि अरेस्ट केवल अभी तक एक हुई है। अगर ये रेप का मामला दिखाएंगे तो एक अरेस्ट काफी है या और बाद में हो सकती है, लेकिन अगर गैंग रेप है तो फिर इसका मतलब आरोपी और अभियुक्त अभी और बाकी है जो बाहर घूम रहे हैं, इसलिए ये कवर अप करना चाहते हैं कि हम गैंग रेप ना दिखाएं। चौथी बड़ी बात जो चिंताजनक है, वो प्रिंसिपल जिनके लिए ये बच्ची समान थी, ऐसा जघन्य अपराध होता है वो क्या बोलता है माता पिता से, वो कहता है कि आपकी बच्ची ने सुसाइड किया है, ये कल के जजमेंट में आया है कलकत्ता हाईकोर्ट के। अब आप मुझे बताइए एफआईआर तो जो प्रिंसिपल था वो भी कर सकता था, क्यों नहीं करी, बचाने का प्रयास क्यों किया गया, जो माता पिता है उनसे झूठ क्यों बोला गया, और सबसे बड़ी बात है ममता बनर्जी ने उसको क्या रिवॉर्ड किया, वहां से हटा के दूसरे अस्पताल में डाल दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि उसको तुरंत हटाइए वरना हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, जजमेंट पढ़िए, उसमें एक लाइन है जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज भारत का और पश्चिम बंगाल की जनता का जो विश्वास है वो ममता बनर्जी सरकार से हिल गया है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा टू इंस्टिल पब्लिक कॉन्फिडेंस हमें ये आदेश पारित करना पड़ रहा है जिससे निष्पक्ष जांच हो, और ये पब्लिक कॉन्फिडेंस जो हिला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, भक्षक ममता बनर्जी तौसीफ, प्रिंसिपल इतने बड़े आदमी थे कि सरकारी वकील को खड़ा होना पड़ा वहां पर, प्रिंसिपल को बचाने के लिए सरकारी वकील खड़ा था वहां पर, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको बकायदा नोटिस मिल गया इस बात को और बोला इस बात को, ये इतने बड़े आदमी है कि इसके लिए सरकारी वकील खड़ा होगा। अमित जी देखिए, गैंग रेप को छुपा रहे हैं आप लोग, नहीं मतलब एक महिला एक महिला डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी के बाद अगर आधा एक घंटा आराम करने के लिए अपने आराम वाले एरिया में गई और वहां पर उसके साथ गैंग रेप हो जाता है, कहां सुरक्षित है बंगाल में महिलाएं फिर? अमित जी मेरा रूम में, अमित जी सरकारी पुलिस खड़ी थी क्योंकि ये सरकार के खिलाफ केस है, पीआईएल होता है, कोलकाता पुलिस का वर्जन रखना पड़ता है, वहां पे कोई जो है प्रिंसिपल को नहीं ऐसे डिफेंड कर रहा था, या बल्कि सरकार ने वहां सुपरिंटेंडेंट हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट को हटाया। सरकारी पुलिस क्या रेपिस्ट के साथ खड़ी है या आरोपी के साथ खड़ी है? प्रिंसिपल खुद से रिजाइन किया, कोई सरकारी पुलिस रेपिस्ट और आरोपी के साथ खड़ी है जबकि उसको पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहिए। हॉस्पिटल के अथॉरिटीज को सरकार नहीं बचा रही और ना ही उनको डिफेंड कर रही थी कोर्ट में, ये पॉइंट नंबर वन। दूसरी बात जानिए, केस यहाँ पे डॉक्टर्स कम्युनिटी का स्ट्राइक चल रहा है, हॉस्पिटल में एक प्रॉब्लम चल रहा है कि सारे डॉक्टर्स स्ट्राइक में है, वहां पेशेंट मारे जा रहे हैं। कोर्ट ने इस बात की संज्ञान लेते हुए कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने की बात की और जांच की सौंप दिया सीबीआई को, ये फैक्ट है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर डॉक्टर्स के बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में होते हैं तो वो उनसे अपील करते हैं कि अपने स्ट्राइक को वापस ले लीजिए क्योंकि दूसरे पेशेंट मारे जा रहे हैं। तो कभी भी ममता बनर्जी ने ये रोका नहीं कि सीबीआई जांच के कि हम गौरव भाटिया एक ही महिला पैनलिस्ट है इसमें, तो मैं उनको भी मौका दूंगा, लेकिन गौरव भाटिया यू मेक योर पॉइंट।
राहुल गांधी तो बोले हैं पांच दिन बाद गौरव भाटिया, राहुल गांधी ने तो बयान दिया है, अखिलेश जी का भी बयान नहीं आया, आ जाएगा उनका भी? नहीं, अखिलेश यादव किस मुंह से बयान देंगे, वो तो कहेंगे डीएनए टेस्ट कराओ, ये तो अखिलेश यादव की पुराना इतिहास रहा है। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी ने 9 तारीख को ये जघन्य अपराध हुआ, 14 तारीख, 5 दिन बाद ये राजनीतिक गिद्ध राहुल गांधी जागा है। आरजी राहुल गांधी और आरजी, यही राजनीतिक गिद्ध राहुल गांधी जागा है, और ये भी दबाव में दिया है। क्यों दबाव में दिया है? हमारी पीसी होने के बाद राहुल गांधी का ये एक्सपेक्ट ट्वीट आया, पूछा नहीं जाएगा लड़की हूं लड़ सकती हूं, क्यों नहीं गई मिलने अभी तक? राहुल गांधी क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो आप तुरंत जाते, और मेरा भाई तौसीफ है, मैं उससे विधिक एक प्रश्न पूछ रहा हूं, दोहरा रहा हूं, आपको मालूम है तौसीफ एफआईआर होनी चाहिए थी, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्यों नहीं हुई? ललिता कुमारी का जजमेंट है, ममता बनर्जी मिली हुई थी। दूसरी बात, मैंने पूछा प्रिंसिपल को रिवॉर्ड क्यों किया, ये तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा है, आप पेशे से लॉयर है, आप भी मानेंगे कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। तो जब मुख्यमंत्री ऐसा होगा तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? संदेश खाली हो